हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण कुमार। विजय इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एंकर की स्विच कनेक्शन बताऊंगा, एक वन सॉकेट टू स्विच एक होल्डर का कनेक्शन बताऊंगा, उसको फिटिंग कैसे किया जाता है वो बताऊंगा। प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, पूरा अंत तक देखिए इसको। हेलो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि आज वन सॉकेट टू स्विच एक होल्डर कैसे फिटिंग करेंगे। एंकर का सॉकेट है, एंकर का दो स्विच है, एंकर का एक होल्डर है। मैंने होल्डर में तार लगा दिया है, इसे चलो फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के लिए को नट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नट लगा रहा हूँ। जिस तरह मैं नट लगा रहा हूँ आप उसको भी ऐसे खोल के लगाना है। मेरा एक लग गया है ये, अब ये स्विच का लगेगा। मैंने एक स्विच और लगा दिया है, एक स्विच और लगाना है। कनेक्शन भी आपको मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ये लो, हमारी स्विच लग गई है। अभी हम होल्डर लगाना है। होल्डर को हम पहले खोलेंगे। होल्डर खोल लिए हैं, फिर हमें दो पेच लेने हैं, दो पेच लेने हैं, फिर तार इसके अंदर डाल लेने हैं। मैंने दो छेद कर लिया है, एक और दो। आप भी किससे छेद कर लीजिए। इसे फिटिंग कर लेना है। ऐसे ये भी फिट कर देंगे, नीचे वाला भी। तो हमारा ये फिट हो गया है। और उसको कनेक्शन के बारे में बताएंगे। कनेक्शन बहुत सिंपल है, किस तरह अच्छे से फिट हुआ। ये मोल्डर होल्डर है, एंकर का दो स्विच है, एक एंकर का सॉकेट है। उसको कनेक्शन बताते हैं। कनेक्शन बहुत सिंपल है, ये दोनों फेस है, स्विच तो फेस होते हैं। इसको दोनों स्टार्ट करना है पहले। इसको हम 1 mm तार से इसको स्टार्ट करेंगे। अब तो कनेक्शन पूरा अंत तक देखिए, कनेक्शन आप बार बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। यह है 1 mm तार, 1 mm से हमें इतना पहले नापना है, फिर इसे हमको छीलना है कटर से। आपको एक कटर ज़रूरी है लेना। हम इसे थोड़ा ऐड देंगे, ऐडने के बाद हम ये नट खोल लेंगे। नट खोलने के बाद हम यहाँ पे फिट कर देंगे। फिट करके फिर हमें ये तार इतना नाप के न्यूट्रल तक काटना है। इतना हम काट देंगे। काटने के बाद इसको यहीं जोड़ देंगे हम लोग। फिलहाल आपको एक बल्ब का तो दो तार है, एक सिंगल बल्ब का तार लेके
आपको इसको छीलना है और इसको न्यूट्रल में जोड़ना है। बताता हूँ किस तरह जोड़ना है। इसको भी छील लीजिए। इसको फिर थोड़ा एट देंगे, नीचे थोड़ा मोड़ देंगे, मोड़ के फिर इसे टाइट कर देंगे। मैंने टाइट कर दिया है एकदम टाइट। अब देख रहे हैं ना, फिर हमें ये दोनों को शॉर्ट करना है। इसके लिए आपको इतना टुकड़ा इसको नापना होगा इतना, फिर आपको इसको काटना है। इसको काट देंगे हम, इन दोनों बाजू से छील देंगे, फिर इसे ऐड देंगे। इसे हम एक लगा देंगे सॉकेट में, दूसरा स्विच में लगा देंगे। फिर इसे हम टाइट कर देंगे। वैसे जैसे आपने सॉकेट और स्विच में कनेक्शन किया ऑन ऑफ खातिर बटन के लिए, वैसे ही आपको सेम कनेक्शन करना है स्विच में एक। स्विच में आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ मैं। आपको कनेक्शन करना है, बहुत सिंपल कनेक्शन है। आप देख रहे हैं मैंने कनेक्शन कर दिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। बल्ब के जैसे दो तार आए हैं तो एक न्यूट्रल लगेंगे एक इसमें लगेंगे, वैसे सॉकेट के एक इसमें लगेंगे और एक इसमें लगेंगे। इन दोनों शॉर्ट कर देना है फेस, तो लाइन फेस में चली जाएगी स्विच में, यहाँ न्यूट्रल देंगे। इसी तरह हमारे बोर्ड के कनेक्शन बहुत सिंपल है। आपको और अच्छे अच्छे बोर्ड के कनेक्शन बताऊंगा। इसे आप दो तीन बार देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी नई और अच्छी सी आपको वीडियो दिखाऊंगा सबसे पहले।